खुद की आईटी सॉल्यूशन कंपनी शुरू कर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले 3 साइबर ठगों को नागपुर साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर के नाम पर अपना नंबर डाल रखा था। मदद करने के बहाने लोगों के खातों से रकम उड़ा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों ने विरार निवासी अतुल सिंह, नालासोपारा निवासी नीरज चौबे और दहीसर निवासी विकास साहब का समावेश है। फोन पे अकाउंट में गड़बड़ी होने के कारण पीड़ित व्यक्ति ने गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। आरोपियों ने मदद करने का आश्वासन देकर उनके खाते से करीब 5 लाख रुपए उड़ाए थे। इस प्रकरण में नागपुर साइबर पुलिस ने जांच कर आरोपियों को धर दबोचा। आगे की जांच साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है। गूगल पे अकाउंट बंद हो गया था, इसलिए उन्होंने गूगल पे कस्टमर का नंबर ढूंढा। गूगल पे उस अकाउंट वो नंबर पे उन्होंने कॉल किया था, कॉल वहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनको एक वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप से और वहाँ से बता दिया कि गूगल कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं और उनको उन्होंने कुछ सेटिंग बता दी और सेटिंग करने के बाद रात के 12 बजे वो अकाउंट आपका गूगल पे अकाउंट चालू होगा ऐसे बताया था। रात के 12 बजे जब सेटिंग करने के बाद कंप्लेंट ने देखा तो उसके अकाउंट से 5 लाख के ऊपर अमाउंट अलग अलग अकाउंट्स में क्रेडिट हुई थी। उस आधार पर हमारे यहाँ पर कंप्लेंट देने के बाद यहाँ पर गुना रजिस्टर हुआ। वो अलग अलग सिटी में निकाले गए हैं और अलग अलग सिटी के अकाउंट होल्डर्स है और मुंबई के कुछ एरिया में अकाउंट खोले गए हैं। तीनों आरोपी उसी एरिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग स्टेट से आते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।